हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आज हम आपके पास लेकर आए हैं फुल दावत मेन्यू फ्रॉम स्टार्टर टिल एंड। जब भी आपने कोई दावत करनी हो तो आप लोगों के पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए चीज़ों की कि आप लोगों ने क्या क्या बनाना है, और फिर झटपट से विद इन फ्यू आवर्स आप लोग सारी चीज़ें रेडी कर लें। ये एक कम्प्लीट दावत की वीडियो है। आई होप यू विल लाइक दिस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दावत मेन्यू हम लोग शुरू करने लगे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले बनाने लगे हैं स्टार्टर में स्वीट एंड सॉर सूप। अगर आपके पास कोई अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं टेबल सेटिंग से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, और किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई मज़े मज़े के अच्छे अच्छे आपके लोगों के पास अगर आइडियाज़ हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। यू विल कॉमेंट डाउन बिलो एंड यू कैन टेल मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें और मेरे फेसबुक वाले पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें। अगर आप कोई भी घर से रिलेटेड, रूटीन लाइफ से रिलेटेड कुछ भी आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम टू आस्क मी। कुछ चीज़ें मैंने एक दिन पहले प्रिपेयर करके रख ली थी, लाइक मैंने सूप के लिए चिकन को पहले से मैरिनेट करके रख लिया था, विंग्स को वॉश करके उसके ऊपर मैदे और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लगा के उसको मैंने फ्रीज कर दिया था। जब मैं कुकिंग कर रही होंगी तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा एक एक चीज़ को मैनेज करना। कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही होती कि हम लोग कैसे बनाएं रेसिपीज, तो आप लोग बस मेरी वीडियो देखिए, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप लोग दावत करें और बनाएं। क्योंकि इस पूरी दावत वीडियो में, दावत रेसिपी की वीडियो में, मैंने आपको सब चीज़ें बनाना सिखा दी हैं जो कि एक दावत में हो और दावत कम्प्लीट हो जाती है। तो जस्ट आप लोग मेरी वीडियो देखें और मज़े लें, और आसानी से आप लोग ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, घर पे अवेलेबल होती हैं सब लोगों के। और कुछ चीज़ आप लोग बाज़ार से ले आएँ और मज़े से घर पे बनाएं और ख़ुद भी खाएं, और आप लोग जिसको दावत पे इनवाइट करेंगे उन लोगों को भी खिलाएं और उनसे तारीफ़ें बटोरें, और सब उनके चाहते रह जाएंगे कि वाह क्या रेसिपी बनाई है, आहा मज़ा आ गया। तो बस आप लोग जल्दी से मेरी वीडियो देखें, और वीडियो देखते देखते साथ साथ आप लोग मुझे, आप लोगों के जहन में कोई आइडियाज़ आ रहे होंगे आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आप लोग किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे। आप लोग कमेंट करें, मुझे बताएं हम लोग ये वाली वीडियो देखना चाहते हैं, हमें ये रेसिपी बनाना सिखाएं, आप लोग कमेंट में मुझे बताएं, मैं आप लोगों को वही रेसिपी इंशाल्लाह ताला बनाना सिखाऊंगी। बस आप लोग बताएं और मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। और इसी के साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है, जिसको आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां एक क्लिक करें और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज खुल जाएगा, और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं, और हर अपडेट में रेसिपी की जब भी मैं कोई अपलोड करती हूँ उस पर देती रहती हूँ। तो आप लोग बस एक क्लिक से बआसानी वो खोलें और आराम से देख सकते हैं आप लोग। वहाँ आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, और अगर आप लोगों के पास किसी भी किस्म के कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आइडियाज़ हैं कि हम किस तरह की वीडियोस बना सकते हैं टेबल सेटिंग से रिलेटेड एंड किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप लोग के पास अगर कोई भी आइडियाज़ हैं आप लोग मुझे बताएं, मैं आप लोगों को उस तरह की वीडियोज़ भी बनाना सिखाऊंगी। जी, स्टार्टर में हमारा स्वीट एंड सॉर सूप की रेसिपी एंड हो चुकी है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी। सूप की रेसिपी के बाद बारी आती है मज़ेदार से, डिलीशियस से हनी विंग्स की रेसिपी की। तो चले आए अपनी हनी विंग्स की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो
आप लोग अगर मेरी ये वीडियोस मज़े मज़े की देखना चाहते हैं तो इसके लिए तो आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोगों को जिन लोगों को रेसिपीज़ नहीं बनानी आती वो लोग भी देख कर सीख कर बना सकें। मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ कि एक एक स्टेप के ज़रिए किस तरह से आप लोग रेसिपी बना सकते हैं बआसानी घर पर। और दावत की पूरी रेसिपी है जिसमें आप लोग बआसानी, मतलब कि अगर आप लोगों ने दावत करनी है आप लोग बआसानी इस वीडियो को देख के अपनी दावत में, आप लोगों को नहीं समझ आ रही होती लोगों को कि हम लोग दावत में क्या क्या बनाएं, क्योंकि दावत होती है उसमें बहुत से लोगों ने आना होता है, आप लोग ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी कि नहीं आएंगी, हम लोग किस तरह की चीज़ें बनाएं। तो आप लोग जस्ट मेरी ये वीडियो देखें, और आप लोग देख रहे हैं और साथ साथ देखें जो हम लोग रेसिपीज़ बना चुके हैं और जो बनाने लगी हैं, सारी जितने भी रेसिपीज़ मैंने इस वीडियो में डाली हैं, पूरी वीडियो में, दावत वीडियो में, सारी बहुत काम की हैं। और जब आप लोग देखेंगे बनाएंगे तो आप लोगों को बआसानी आप लोग घर पे भी बना सकेंगे। ये देखिए हमारे मज़ेदार से हनी विंग्स तैयार हो चुके हैं। आप लोग इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जिसका नाम है सिंपल एंड क्विक मैक्रोनी सैलेड। जाहिर सी बात है दावत है तो सैलेड भी चाहिए होती है, तो ये मैक्रोनी सैलेड की रेसिपी है जो कि बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। आई एम मेकिंग दिस सैलेड फॉर माई दावत। आज रात को मेरे घर पे दावत है तो मैं मेन्यू प्रिपेयर कर रही थी, सो आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं ये सैलेड बनाने लगी हूँ। आज की ये दावत रेसिपी जो हम लोग बना रहे हैं, जो आप लोग अभी देख भी रहे हैं, कुछ रेसिपीज़ हम लोग पीछे बना भी चुके हैं और आगे भी हम लोग कुछ बनाएंगे, तो आई होप कि आप लोगों को ये मज़ेदार सी, चटखारेदार सी, डिलिशियस सी, रिफ़्रेशिंग सी ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों को आई होप बहुत पसंद आएंगी। और जब आप लोग इसको बना के ट्राई करेंगे तो आप लोगों को तो कसम से मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि ये हैं ही इतने मज़े की कि जो कोई भी खाएगा उसको मज़ा आ ही जाएगा। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ उस तरीके से बनाएंगे खाएंगे तो और भी मज़ा आ जाएगा। आप लोग मुझसे अपनी बातें शेयर करें, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ मज़े मज़े की रेसिपीज, मज़े मज़े की चीज़ें आप लोगों को बताती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ, जो मैं अपने लिए बनाती हूँ उस सब मैं आप लोगों को सिखाती रहती हूँ। तो आप लोग भी बताएं मैं किस तरह की वीडियोज़ और बना सकती हूँ और आप लोग किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। Thank you.
ये देखिए हमारी मज़ेदार सी क्विक मैक्रोनी सैलेड की रेसिपी रेडी हो चुकी है। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। तो इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं जिसका नाम है मिंट मार्गरीटा। तो इसी के साथ अपनी नेक्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं जिसका नाम है मिंट मार्गरीटा, जिससे पीकर आप लोग बहुत रिफ़्रेश महसूस करेंगे और बहुत सुकून मिलेगा। तो चले आए अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं मिंट मार्गरीटा ड्रिंक बनाने लगी हूँ। अगर आपको और ड्रिंक्स के आइडियाज़ चाहिए, मेरे चैनल पे और ड्रिंक्स भी हैं और इन फ्यूचर में भी मैं मज़े की ड्रिंक्स की रेसिपीज़ भी शेयर करने वाली हूँ, सो जस्ट कीप फॉलोइंग मी। मिंट मार्गरीटा बना रहे हैं, उसके लिए आप 2 ग्लास पानी ले लें, ठंडा चिल्ड वाटर, 1 ग्लास पानी, मिंट लीव्स पुदीने के पत्ते तकरीबन 1/2 कप के करीब, 5 टेबलस्पून चीनी, 4 लीमू का जूस, 1/2 साल्ट काला नमक और नॉर्मल सॉल्ट, मैं 1/2 टीस्पून ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह ब्लेंड। पहले वाइट सोडा जो बाजार में आराम से इजीली अवेलेबल होता है, हमने जो मिंट लीव शुगर और पानी से जो मिक्सचर बनाया लेमन जूस के साथ, इसके ऊपर वो पोर करना है। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा टेस्टी सा बहुत मज़े का ड्रिंक तैयार हो चुका है। तो जब आप लोग इसे घर में खुद बनाकर ट्राई करेंगे तो यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगा। इसके बाद विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मिलाई मेयो सीख कबाब बिरयानी। नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो चले आए अपनी इस रेसिपी को भी बनाना स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 1.5 किलो कीमा, उसको हम लोग चॉपर में डाल देंगे। अब हम डालेंगे 2 चॉप हुई मीडियम साइज की प्याज। इसके बाद हम लोग डालेंगे 8 से 10 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप हुई हुई। उसके बाद चॉप्ड हुआ हुआ हरा धनिया 4 से 5 टेबलस्पून। अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मैंने 1 टेबलस्पून डाली है। इसके बाद डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे भुना कुटा धनिया 2 टेबलस्पून, भुना कुटा जीरा 2 टेबलस्पून, काली मिर्चें 2 टेबलस्पून। अब सबसे आखिर में डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए हैं, अब हम लोग इसको चॉप करेंगे। ये देखिए इस तरह का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब हम लोगों ने कीमे के मिक्सचर के अंदर थोड़ी सी इस तरह से स्पेस बनानी है, उसके अंदर फॉइल रख के ऊपर से कोयला रख देंगे। और आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोयला जो है वो प्रॉपर दहका हुआ हो, नहीं तो कच्चे कोयले की स्मेल आएगी। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, इसके अंदर से बहुत अच्छी सी बहुत ज़बरदस्त सी कोयले की खुशबू आ रही है। अब हम इसको कोयले का दम देंगे। अब इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें।
ये देखिए हम लोगों ने इसे कोयले का दम दे दिया है, बहुत मजे की खुशबू आ रही है, बहुत जबरदस्त सी। अब हम अपने सीख कबाब को रेडी करते हैं। तो अब सबसे पहले आप लोग अपने हाथों को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें, उसके बाद मिक्सचर लें और उनको हल्के हल्के हाथों से सीख कबाब की शक्ल दें। इसी तरह से अपने सारे कबाब तैयार कर लेंगे और अब इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। अब पैन के अंदर 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल डाल लें। हम कम ऑयल में फ्राई करेंगे और लो हीट पे फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक कबाब कुक हो जाएं अच्छी तरह से। ये देखें यहाँ पर हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं। इसी तरह से आप लोगों ने एक एक करके सारे कबाब फ्राई कर लेने हैं। एक पैन के अंदर जितने एक वक्त में आते हैं उतने आप लोग फ्राई करें। मेरे तो पैन में 4 आ रहे हैं तो मैं इसलिए 4 कर रही हूँ। जब कबाब फ्राई हो जाएं उसके बाद इसे टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लें ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए हमारे सारे सीख कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हमने जिस पैन में सीख कबाब बनाए हैं उसी पैन के अंदर हम लोग इसकी ग्रेवी भी तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे मलाई मियाओ मिक्सचर जो कि ग्रेवी में डलेगा। अब हम लोग बनाएंगे मलाई मियाओ मिक्सचर। उसके लिए हमें बादाम चाहिए। बादाम का हम लोग सबसे पहले पेस्ट बनाएंगे। तो 20 से 25 बादाम आप लोग ले लें, उनको पील ऑफ करके चॉपर में डाल के चॉप कर लें थोड़े से पानी के साथ। ये हमने पानी डाल दिया है और अब हम लोग चॉप कर लेंगे। तो हम लोग बना रहे हैं ग्रेवी के लिए मायो पेस्ट। तो सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे मायोनीज 2 कप, मायोनीज के बाद इसके अंदर डालेंगे 300 ml क्रीम और अब डालेंगे बादाम का पेस्ट जो ऑलरेडी अभी हमने तैयार किया था और अब आखिर में इसके अंदर डालेंगे 1 कप पानी और फिर तमाम चीजों को आखिर में अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और अब अपनी ग्रेवी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। अब इस पैन के अंदर आप लोगों ने 1 कप ऑयल लेना है, उसके बाद 2 मीडियम साइज के इसके अंदर चॉप हुई हुई प्याज डालेंगे। अब इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून। मेरा वो शॉट लेना मिस हो गया था इस वजह से मैं दिखा नहीं सकी। हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे जिसके अंदर है तेज पत्ता 3 से 4, दालचीनी के 2 टुकड़े, हरी इलायची 4 से 5, काली मिर्च 10 से 15 अदद, लौंग 4 से 5, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद। बस ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 कप फिटा हुआ दही ऐड करेंगे। अब इसके अंदर जो हम लोगों ने मायो वाला मिक्सचर तैयार किया था वो अब ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना आप लोग खाना पसंद करते हैं उतना ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग डालेंगे बिरयानी मसाला 4 टेबलस्पून। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी रेसिपी होममेड बिरयानी मसाला की रेसिपी आप लोगों को सिखाऊं तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी भी ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। अब इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून वाइट पेपर। अब इसके अंदर डालेंगे ग्रीन चिली पेस्ट 3 टेबलस्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब इसको इतना भूनेंगे कि ये जो मसाला है ये अपना ऑयल छोड़ दे। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग अपनी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है और बड़ी जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो अब हम लोग अपनी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले से बासमती राइस 1 किलो चावल बॉईल करके रख दिए थे, तो
तो ये इस तरह से आप लोग पकाने हैं। मैंने एक कढ़ी पर इसको पकाया है, जिस तरह से हम लोग बिरयानी के चावल पकाते हैं, कसर रह जाती है थोड़ी सी, उस तरह से इसको पकाना है। चावल बॉईल करते वक्त इसके अंदर मैंने एक टेबल स्पून, एक कप के अंदर एक टेबल स्पून में नमक ऐड करती हूँ। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। और नमक ऐड करते वक्त आप लोग साथ ही तेज पत्ता भी ऐड कर लीजिएगा। मैंने ऐड कर लिया है, आपकी मर्जी है आप ऐड करें या ना करें। हमने एक लेयर पहले चावलों की रखी, उसके ऊपर अब एक लेयर ग्रेवी की डालेंगे। इस तरह से सारे पे पूरी एक लेयर बना दें ग्रेवी की चावलों के ऊपर। अब हम एक एक करके इस पहली लेयर के ऊपर कबाब रखेंगे। इस तरह से एक एक करके पूरी लेयर के ऊपर सीख कबाब रखते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हरा धनिया और पुदीना डालना, और अब इसके अंदर आलू बुखारे डालेंगे। जिस तरह से सीख कबाब रखे थे उसी तरह से आलू बुखारा भी रख देंगे। अब हम अपनी दूसरी लेयर डालेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने पहली लेयर डाली थी। चावल डालें, उसके ऊपर ग्रेवी, उसके ऊपर सीख कबाब, हरा धनिया, आलू बुखारा। हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके ऊपर चावलों की लेयर लगाएंगे। ये हमने अपनी चावलों की लेयर भी डाल रही है। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस और फिर 1/4 टेबलस्पून जर्दे का रंग, और फिर इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जब ये तैयार हो जाएगा फिर हम लोग आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो जी, ये हमारी मिलाई मेयो सीख कबाब बिरयानी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो इसी के साथ हम लोग अपनी अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मटन कढ़ाई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चले आए अपनी मटन कढ़ाई की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मटन कढ़ाई बनाने के लिए अब सबसे पहले आप लोग एक बाउल के अंदर 4 कप पानी लें, उसके अंदर 1/4 टीस्पून जिंजर पेस्ट के डालें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर हमने एक पैन के अंदर 1 किलो मिक्स बोटी वाला मटन लिया है, उसको हम लोग पैन के अंदर डालेंगे। और फिर इसके बाद अभी जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था 4 कप वाटर में जो हम लोगों ने अदरक का पेस्ट डाला था 2 टेबलस्पून, वो डालेंगे अब इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम लोग 1 टेबलस्पून नमक की डालेंगे और फिर इसको हम लोग गला लेंगे। आधे से ज़्यादा जब तक ये गल नहीं जाता इसको हम लोग तब तक बॉईल करेंगे। अब ये देखें, ये तकरीबन गल गया है। अब हम इसके अंदर 1/2 कप ऑयल डालेंगे। अब इस तरीके से हम लोग टमाटर को काटेंगे दरमियान में से और इस तरह से रखते जाएंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और हम इसकी स्किन इजीली रिमूव कर सकें। अब जब ये टमाटर गल जाएंगे तो इनकी ऊपर से स्किन हम लोग रिमूव कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, हमने सारे टमाटरों की स्किन रिमूव कर ली है। और अब टमाटर को एक स्पून की मदद से थोड़ा सा मैश कर लें। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 5-6 अदद हरी मिर्चें,
इसको तब तक भूनना है जब तक ये अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दे और फिर एंड में इसे गार्निश करना है अदरक से। तो जी ये हमारी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई तैयार हो चुकी है, इसको मज़े लेके मज़े के साथ मज़े से नान से खाएं और लुत्फ अंदोज हों और मज़े ही लेते जाएं। बस मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं अभी जल्दी से खा लूँ, लेकिन अभी इसकी थोड़ी शॉर्ट्स बन रही हैं तो वो बन जाएं तो फिर मैं इसको मज़े से खाऊँगी। तो ये मटन कढ़ाई की रेसिपी ख़त्म होती है, तो इसी के साथ हम लोग अपनी अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है चप्पल कबाब। तो चले आएँ बनाना शुरू करते हैं। तो चले आएँ अपने मज़ेदार से चप्पल कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं और बनने के बाद इसको मज़े से आप लोग नान के साथ मज़े लेके खाइएगा, बहुत मज़े के लगते हैं केचप के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बनाकर आप लोग फ्रीज़र में फ्रीज भी कर सकते हैं और जब भी आप लोगों ने कोई दावत रखी हुई हो या फिर आपने डिनर के लिए प्रिपेयर करना हो तो आप लोग बस जस्ट फ्रीज़र से निकालें और बस फ्राई कर लें। हमने इनको शैलो फ्राई करके फ्रीज किया हुआ होता है, तो जब कोई मेहमान आए जस्ट आप लोग निकालें, फ्राई करें और उनको सर्व कर दें एंड योर चप्पल कबाब आर रेडी। तो चले आएँ इस झटपट सी और मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बीफ का कीमा। मैंने जब इसे बुजर से ख़रीदा था तो मैंने उन्हें कहा था कि इसको 2 दफ़ा चॉपर के अंदर चॉप कर दें, तो मैंने उनसे 2 दफ़ा इसको निकलवा लिया था। आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा चप्पल कबाब बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चॉपर के अंदर ली हैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज और 8 से 10 हरी मिर्चें, इनको मैं बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी प्याज और हरी मिर्ची चॉप हो गई हैं। अब हम लोग चप्पल कबाब के मिक्सचर की तरफ आते हैं, इन चीज़ों को साइड पे कर लेते हैं। ये प्याज और हरी मिर्ची आप लोग कीमे के अंदर ऐड कर दें। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के और मसालों में आप लोगों को मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया चाहिए 3 टेबलस्पून और साथ ही मोटा मोटा कुटा हुआ अनारदाना भी चाहिए 2 टेबलस्पून, साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक मैं इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, सफ़ेद ज़ीरा 3 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को आप लोग इसके अंदर डाल दें और साथ अजवाइन 1/2 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को हम लोग हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम लोग इसके अंदर 3 अदद चॉप हुए टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह हम लोग कीमे को मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसको चप्पल कबाब की शेप देते हैं। अगर आप लोगों ने चेक करना है कि इसके अंदर नमक मिर्च कोई भी चीज़ कम तो नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा कीमा लें, इसको फ्राई करें और टेस्ट करके चेक कर लें, अगर कोई चीज़ कम होगी तो इसके अंदर ऐड कर लें फिर से। अब मैं एक टमाटर का स्लाइस लूँगी और इसके बीच में रख दूँगी इस तरह से और बना बना के साथ साथ डिश में रखती जाऊंगी। अगर आप लोग इसे इसी तरह कच्चे फ्रीज कर देंगे तो जो इनका मिक्सचर है वो पानी छोड़ देगा, इसलिए आप लोग इन्हें पहले शैलो फ्राई करें, उसके बाद आप लोग फ्रीज़र में एयरटाइट कंटेनर के अंदर डाल के अप टू 15 डेज आप लोग इनको रख सकते हैं। और ध्यान रहे आप लोगों ने टमाटर और प्याज बिल्कुल एंड पे ऐड करने हैं। आप लोगों ने मार्केट्स में भी देखा होगा वो लोग अपना सारा मसाला चप्पल कबाब का मैरिनेट करके रख लेते हैं लेकिन टमाटर और प्याज को हमेशा एंड पे ऐड करते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें अपना पानी छोड़ देती हैं और इसकी वजह से मिक्सर ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों ने टमाटर और प्याज बिल्कुल एंड पे ऐड करने हैं। बाकी मैरिनेशन आप लोग सुबह से शाम के लिए छोड़ सकते हैं या फिर ओवरनाइट भी आप लोग छोड़ सकते हैं। तो अब हम लोग अपने कबाब को फ्राई करना शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले आप लोग तवे के ऊपर 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, हीट को आप लोग लो से मीडियम रखेंगे ताकि कबाब अंदर तक पक जाएं अच्छी तरह से।
इस तरह से आप लोग इस पे कबाब रख के फ्राई कर लें। एक एक करके कबाब रख दें जितनी जगह है उसके मुताबिक। बहुत ही मज़ेदार सी चप्पल कबाब की खुशबू आ रही है। मेरा दिल तो कर रहा है अभी अभी खा लूँ, पर इसका पकने का इंतज़ार करेंगे, कच्चा तो नहीं खा सकते ना, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब इसको जल्दी जल्दी बनाते हैं और मज़े से खाते हैं। अब इसकी साइड्स चेंज कर देंगे। आपको लगता है जो कबाब तैयार हो गया है, एक साइड से पक गया है, तो अब हम लोग उसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए हमारे मज़ेदार से ज़बरदस्त से चप्पल कबाब तैयार हो गए हैं। आप लोग इन्हें बनाएं, बनाकर फ्रीज कर दें। जब भी कोई डिनर या कुछ भी हो, आप लोगों का जब भी दिल करे खाने का, तो आप लोग बस निकालें, जस्ट फ्राई करें और खाएं मज़े से। अपने घर वालों को खिलाएं, खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, सबको खिलाएं और मज़े से खाएं। तो जी इसी के साथ मेरी ये चप्पल कबाब की रेसिपी ख़त्म होती है। तो साथ ही साथ हम लोग अपनी अगली रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जिसका नाम है मटन पाए। तो चलें चलते हैं अपनी मटन पाए की रेसिपी की तरफ, लेट्स गो। तो चलें आएं अपनी मटन पाए की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जो कि बहुत मज़े की और बहुत डिलीशियस बनती है। आप लोगों को जब आप लोग खुद बनाएंगे खाएंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कितने मज़े की बनती है। सो चलें आएं बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले एक पैन के अंदर आप लोग 15 तकरीबन ये हैं, और इसका जो वेट है वो है 2 से 2.5 किलो, वो आप लोग एक पैन में डाल दीजिए। और साथ ही इसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड कर दीजिए। अब हम लोग इसको इसी तरह से बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर झाग आ गई है, तो अब हम लोग इसे हटाएंगे इस तरह से। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर एक प्याज लेंगे, जिसके 4 टुकड़े करके इसके अंदर डाल देंगे, और साथ ही एक अदरक का टुकड़ा भी डालेंगे, चंद अदद जवे लहसुन के, तेज पत्ता, 1.5 चम्मच नमक। अब इन सब चीज़ों के साथ इसे 3 से 4 घंटे तक लो से मीडियम हीट के ऊपर बॉईल करना है। और अगर आप लोग प्रेशर कुकर के अंदर बना रहे हैं तो 20 से 25 मिनट तक छोटे पाए गल जाते हैं। ये देखिए हमारे पाए गल गए हैं और यखनी भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब एक पैन के अंदर 1 कप ऑयल डालें और अब साथ ही इसके अंदर 3 मीडियम साइज में स्लाइस्ड हुई हुई अनियन ऐड करेंगे। अब इसको इतना फ्राई करना है कि हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए हमारी प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड कर देना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे तेज पत्ता 2 से 3 अदद, 7 से 8 छोटी इलायची और 5 से 6 अदद बड़ी इलायची, और साथ ही साथ 3 अदद टमाटर का पेस्ट भी ऐड करेंगे। डेढ़ चम्मच नमक, वैसे आपकी मर्जी है आप लोग 1.5 चम्मच डालें या फिर अपनी मर्जी के मुताबिक डाल लें। 2 टेबलस्पून हल्दी,
दो टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, दो टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, या फिर आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। डेढ़ खाने का चम्मच गरम मसाला, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मसाला हमने इतना भूनना है कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगे और जो सारी प्याज है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए और मसाला अच्छी तरह से साइडों पे से ऑयल छोड़ दे। और अब इस स्टेज पे इसके अंदर जो हमने पहले से तैयार किए हुए थे पाए और यखनी, वो इसके अंदर ऐड कर दें। अब पहले इसे उबाल आने तक पकाएं, उसके बाद लो से मीडियम हीट पे 20 से 25 मिनट तक इसे हल्की आंच पर पकाएं। इसको आपने तब तक पकाना है जब तक इसका शोरबा गाढ़ा ना हो जाए। और फिर एंड पे इसे हरी मिर्चों से और अदरक से गार्निश कर दें। और ये हमारे मज़ेदार से मटन पाए तैयार हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि है ये इतनी डिलीशियस, इतने मज़े की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कैसी बनी। तो ये थी आज की दावत वीडियो, जिसमें आप लोगों को मैंने बहुत सारी और बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनाना सिखाई हैं, जो कि दावत में आप लोगों को बहुत काम आएंगी। इस तरह की और मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज कैसी लगी। और अगर आप लोगों के पास कोई भी आइडियाज हैं टेबल सेटिंग के हवाले से, किचन के हवाले से, या कोई भी ऐसी चीज़ के हवाले से आप लोगों को कोई भी आइडियाज हैं अच्छे अच्छे मज़े के, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि मैं आगे जो वीडियोस बनाऊँ किस तरह की बनाऊँ, किसके हवाले से बनाऊँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दी बेल आइकन, सो यू विल गेट नोटिफाइड बाय माई न्यू वीडियो। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो।